नमस्ते, मैं डॉक्टर कनुप्रिया सिंह नवी मुंबई से प्रैक्टिसिंग एज अ चीफ डेंटल सर्जन सिंस 2008। एंड आज हम लोग डिस्कस करते हैं अनअट्रैक्टिव स्माइल के बारे में, जो कि सभी यंगस्टर्स के बीच में और कभी एडल्ट या मिडिल एज के लोगों में भी ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, जिसकी वजह से लोग पब्लिक स्पेस पे या अपने फ्रेंड या किसी भी फंक्शंस में जाते हैं तो स्माइल करने के लिए हेजिटेट होते हैं। वो एक बहुत कॉमन रीज़न है लोगों में। तो रीज़न क्या होता है, अगर इन पे ध्यान दें तो पहला रीज़न आपके दांतों का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होना। तो अलाइनमेंट के लिए जैसे बोलते हैं आपके दांत आगे पीछे हैं या एक के पीछे एक आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, या आपका जॉ अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। जॉ के जो साइज़ होती है, जो आज के यंगस्टर्स में देखा जा रहा है, जॉ साइज़ छोटी होती जा रही है और दांतों का साइज़ उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में दांतों में क्राउडिंग डेवलप होना ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसे पेशेंट्स में आप जब भी स्माइल करेंगे तो आपके दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए दिखेंगे, स्माइल प्रॉपर नहीं आएगी, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं दिखेगा। उसके अलावा दूसरा रीज़न जो बहुत कॉमन पाया जाता है, दांतों में गैप होना या दांतों का बाहर उठा हुआ होना, जॉ साइज़ और दांतों का जो साइज़ होता है वो प्रपोर्शन में नहीं होता है, तब ये रीज़न ज़्यादा होते हैं। या आपका लिप्स बाहर होता है, आपका मस्कुलेचर जो लिप्स का होता है वो इतना अच्छा नहीं है कि आपके दांतों का मूवमेंट कंट्रोल कर सके जब भी वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा दांतों में दाग लगने, जो सामने के दांतों में कुछ पेशेंट्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्लोरोसिस के स्टेन, जो हल्के ब्राउन या पीले कलर के होते हैं और जो बर्थ से जब भी पेशेंट के दांत डेवलप होते हैं तभी से होते हैं। उनका एक मोस्ट ऑफ द रीज़न फ्लोरोसिस का होता है कि पेशेंट के दांत जब भी वो बन रहे होते हैं या डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट के टाइम में ही पानी में जहां पेशेंट का जो लोकल एरिया जहां पेशेंट बिलोंग करता है या रह चुका होता है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी में फ्लोराइड के जो बोलते हैं कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उन केसेस में पेशेंट्स में फ्लोरोसिस डेवलप होता है दांतों के ऊपर, जो कि उनको एक बहुत ही ब्राउनिश या कलर्ड अपीयरेंस देता है। तो इन रीजंस के बाद में पहले तो आपको डॉक्टर के पास में विजिट करेंगे, जब भी आप जाएंगे आपका डेंटिस्ट आपको एग्जामिन करेगा रीज़न क्या है, क्यों हुआ है, और आपसे इंक्वायरी करने के बाद में क्या रीज़न है अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। तो पहला ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो अगर आपके जो जॉज हैं या जबड़े में जो दांत हैं वो आगे पीछे हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, ऊपर बराबर नहीं दिख रहे हैं या उनमें गैप आ रहा है, तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉलो करें। ब्रेसेस अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आजकल बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल आई है जिसे हम लोग बोलते हैं इनवाइज अलाइन या क्लियर अलाइनस, जो पेशेंट्स नहीं लगाना चाहते ब्रेसेस, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल वे होगा ब्रेसेस ट्रीटमेंट, आपके दांतों को सीधा करना, उनको अलाइनमेंट प्रॉपर देना, उनके गैप्स और उनका बाहर निकला हुआ होना जो होता है उसको प्रॉपर वे में एक टाइम के साथ में धीरे धीरे एक नेचुरल वे में करेक्ट करता है, जो कि 100% नेचुरल होता है। इसमें कुछ टाइम लगता है डेफिनेटली, वो डिपेंड करता है आप किस एज में और डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा कभी कभी जॉज के ट्रीटमेंट, आपके जॉज का अलाइनमेंट बराबर नहीं है तो वो भी करेक्ट हो सकता है, अगर जॉज ज़्यादा बाहर, उनकी हड्डियाँ बोलते हैं कि ऊपर से बाहर ज़्यादा निकले हुए हैं या चिन अंदर दबा हुआ है, तो उसके लिए कुछ फंक्शनल अप्लायंसेज आपके स्पेशलिस्ट के द्वारा सजेस्ट किए जाएंगे जो कि आपको यूज़ कर